तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका यहाँ चिड़िया 5 के वीडियो में। तो पिछले वाले वीडियो में शायद से हमने उस बॉस को ढूंढ लिया है जो लॉस सैंटोस को नुकसान पहुंचा सकता है, और मेरे को कुछ ज़्यादा बढ़िया तरीके से उसकी शक्ल तो याद नहीं है। ट्रेवर देखो, वो हॉस्पिटल है और वो थोड़े टाइम के लिए बेहोश हो गया था, क्योंकि आपको पता है उसने एक माइन के ऊपर पैर रख दिया था जिस कारण वो बेहोश हो गया था। उसको भी थोड़ी बहुत शक्ल याद थी, मेरे को भी थोड़ी बहुत शक्ल याद थी। तो जैसा कि उसने बताया, वैसा ही मैंने यहाँ पर लेस्टर को बताया, और लेस्टर के पास एक बहुत ज़्यादा बढ़िया वाला प्लान है। तो हमें क्या काम करना होगा, पहले ना हमें उसको पकड़ना होगा। तो उसकी चाहिए होगी एक पिक्चर, पिक्चर हमारे दिमाग के अंदर है। तो लेस्टर का एक फ्रेंड है जो एक स्केच आर्टिस्ट है, जो हम उसको बताएंगे वो उसी चीज की एक पिक्चर बना देगा। तो बस यार, लेस्टर उसको कॉन्टेक्ट करवा रहा है लमार से। उसके बाद मैं लेस्टर उसकी शॉप पर चलेंगे, जहां पर भी उसका अपार्टमेंट है या तो कोई शॉप है। देखो गाइस, मेरे को थोड़ा बहुत याद है उसने एक ब्राउन कलर की हैट पाई थी, जैसे काउबॉयज हैट डालते हैं बिल्कुल वैसे, और उसका जो कोट था वो ब्राउन कलर का था, और जो उसकी शायद से जीन्स थी वो वाइट थी या तो ब्राउन थी, मेरे को इतना भी आइडिया नहीं है। और वो ना कुछ ज़्यादा ओल्ड एज पर्सन था, मतलब वो कुछ जवान नहीं था, वो कुछ ज़्यादा बूढ़ा था, और जो उसके वाइट दाढ़ी थी मेरे को वो याद है। तो बस यार, लेस्टर जब अपने फ्रेंड से बातचीत कर लेगा उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। चलो तो अब निकलते हैं इधर से, और फोन पर तो बात हो गई है लेस्टर की उसके फ्रेंड से, और यहाँ से ना हम लोग चलते हैं सीधा उसके एक अपार्टमेंट में। वो पहले ऑफिस में रहा करता था, लेकिन अब वो ऑफिस उसने सील कर दिया है। तो अपने को जाना है सीधा उसके एक अपार्टमेंट पे। तो जेस्को के साथ चलेंगे हम लोग इस पे बैठ करके। एक कमाल की चीज बताता हूँ जो लेस्टर ने यहाँ पर करी है। अब सामने की साइड ये गाड़ी देख रहे हो, बहुत ज्यादा बेकार सी है। इसमें लेस्टर और लमार आए हैं, और ये गाड़ी ना लमार की है ना लेस्टर की है, ये लेस्टर के किसी फ्रेंड की है जिस ने रेंट पर इसको दी है। तो ठीक है भाई, ये ना अपनी मस्टैंग को बाहर की साइड निकालना बिल्कुल भी नहीं चाहता है, क्योंकि ये कह रहा है कि यार मैंने मॉडिफाई करवाया, इतना ज़्यादा बढ़िया उसको करवाया है, और मैं नहीं चाहता कि वो डैमेज हो जाए या किसी भी टाइप की उस पर कोई भी स्क्रैच आ जाए। तो बस यार, कि जब भी कहीं बाहर जाएगा उस छोटी सी गाड़ी में जाएगा, और बाकी जो इसकी मस्टैंग है वो ये घर रखने वाला है पूरा यार, सजा करके। मैं तो कह रहा हूँ उसको अपने रूम में रख ले। पता नहीं भाई, गाड़ी है तो बाहर चलाने के लिए, घर पर तो क्या ही करेगी। तो ठीक है भाई, हर किसी बंदे की अपनी अपनी सोच होती है। तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं, और पहुँच गया। अगर मेरी हल्के से भी टक्कर लगी होती ना उसकी गाड़ी से, उतर करके पहले मैं उसको पीटता और बाद में जाता उस शॉप पे जिस पे भी हम लोग बंदे के पास जा रहे हैं। फिलहाल तो मैं अपनी गाड़ी को लेकर के पहुंच गया हूँ सीधा उस बंदे के अपार्टमेंट के बहुत ज़्यादा क्लोज, और जैसा भी मेरे को लेस्टर ने बताया मैं उसी रूट पर तो आया हूँ फॉलो करके। ES बिल्डिंग अपने को यहीं की उसने लोकेशन दी थी। तो पहले ना मेरे को एक काम कर लेना चाहिए, अपनी गाड़ी को ना ले जा करके मैं पार्किंग में खड़ा कर देता हूँ, और बाकी पार्किंग इतनी ज़्यादा खाली है, मेरी इतनी ज़्यादा खतरनाक वाली गाड़ी यहाँ पर पार्क होने वाली है क्या। तो चलो ठीक है, अब जल्दी से ना हम लोग चलते हैं सीधा ऊपर की साइड, और बिल्डिंग तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। और ये क्या कॉफ़ी के बैनर लगे हुए हैं, तो ठीक है यहाँ ये प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं किसी कॉफ़ी शॉप, नहीं प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ऊपर बिल्डिंग है, नीचे बीन मशीन की एक शॉप है। जैसा आप सब देख रहे हो यहाँ पर कुछ कॉफ़ी पी रहे हैं लोग, तो ये एक शॉप भी है कॉफ़ी की। तो ठीक है यार, जल्दी से आजा लेस्टर भाई, हम लोग चलते हैं सीधा उसके पास, और शायद से वो स्केच बना दे जैसा कि मैं उसको बताऊंगा, और बाकी देखा जाएगा जो भी होगा। मेरे को इतना तो याद है उसकी एक बड़ी सी हैट है, वाइट बियर्ड है, जैसा भी हमने इमेजिन कर रखा है वैसा मैं उसको बताऊंगा और देखूंगा वो सही में बना भी देगा स्केच की नहीं बनाएगा। तो चलते हैं सीधा इसके अंदर की साइड, और मैं पहुंच गया हूँ। और वैसे बिल्डिंग तो मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रही है। और लेस्टर आ जा, लेस्टर कहाँ रह गया, हाँ लेस्टर आ रहा है सामने से। तो ठीक है लेस्टर भाई, जल्दी आ, और लिफ्ट पर चढ़ना अपने को जाना था। आई थिंक कौन सा फ्लोर था भाई, मेरे को तो ये याद नहीं है। तो लेस्टर तू यार चल लेकर मेरे को ऊपर। फाइनली हम दोनों लोग ऊपर की साइड तो पहुंच गए हैं, और जल्दी से चलते हैं और एक बार मैं देख लूं कि हम लोग कितनी ऊपर आए हैं। और ये बहुत ज़्यादा ऊंचा फ्लोर है, और देखो गाइज नीचे की साइड बहुत ज़्यादा सब कुछ छोटा छोटा नज़र आ रहा है। और बाकी जो मेरी जेस्को है वो राइट साइड में पार्क है, वो वहाँ पर सेफ रहेगी। और बाकी लेस्टर ने थोड़ी बहुत हमें उस बंदे की स्टोरी बताई है। लेस्टर कह रहा है कि हम लोग फाइनली उसके घर पर पहुँच गए हैं, और पहले वो एक ऑफिस में काम करा करता था। और ये है क्या वो एक लड़की है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। लेकिन लेस्टर ने जहाँ तक मेरे को बताया है कि वो एक ओल्ड पर्सन होगा या तो कोई इसी की एज का सेम होगा। तो चल करके ना इन मैम से एक बार बात करते हैं, ये यहाँ की शायद से क्लीनर लग रही है।
इसने अपने को ना सब कुछ बता दिया है और ये कह रही है कि उनकी वाइफ बहुत ज्यादा बीमार है 2-4 महीनों से, और वो सर नीचे की साइड है, और लेस्टर कह रहा है कि ना वो बहुत ज्यादा तेज था इनके पूरे ग्रुप में स्टडी वगैरह करने में, और उसने बहुत ज्यादा हैकिंग भी करी थी और उसका दिमाग बहुत ज्यादा शार्प था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था वो, लेकिन कुछ टाइम से वो गायब ही हो गया। और फाइनली हम लोग नीचे की साइड पहुंच गए हैं। ये है क्या, वो बिल्कुल लेस्टर की एज का लग रहा है। देखो गाइस, इसने ना अपने इस रूम को पूरा एक हॉस्पिटल में कन्वर्ट कर दिया है। शायद से हमें उस मेड ने बताया जैसा कि इनकी वाइफ 4-5 महीने से बीमार है, जिस करके ये बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। तो ठीक है, उसको तो पता भी नहीं, और लेस्टर तू क्यों इतना शर्मा रहा है उससे बात करने में, आ जा भाई जल्दी से कर ले उससे बात चल के। यहाँ पर हम तीनों की बातचीत तो हो गई है, और इस टाइम ना ये बिल्कुल भी मूड में नहीं है कोई प्लान डिस्कस करने के। तो ये कह रहा है कि जैसा कि तुम देख ही रहे हो, और जितने भी इसकी अर्निंग थी, जितना भी इसने क्राइम करा था, सारा इसने ना अपनी वाइफ की ट्रीटमेंट के ऊपर लगा दिया है। और बाकी देख रहे हो गाइस, इसकी जो वाइफ है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, वो 5 महीने से बेड के ऊपर है, और वो जो बंदा है वो उसका इलाज करवाता जा रहा है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि वो शायद ही बचे। तो फिलहाल तो हमने उससे इस टाइम पर प्लान की कोई भी बातचीत नहीं करी है, ना ही हमने उसको कुछ बताया है कि हम लोग आए यहाँ पर क्यों हैं। और जैसा तैसा लेस्टर ने उसकी लोकेशन वगैरह निकलवा करके हम लोग उसके घर फाइनली पहुंच गए हैं, और अभी सही नहीं लगता यार, हम लोग जा करके उसको बोलेंगे हमें किसी बंदे का पता करवाना है, चल करके जल्दी से स्केच बना दे। तो अभी ना मैं थोड़ा बहुत यहाँ पर बैठ करके वेट करने वाला हूँ, लेस्टर उसकी वाइफ की रिपोर्ट देख रहा है जो भी मेडिकल रिपोर्ट है, उसके बाद जब थोड़ा सा टाइम हो जाएगा तो हम लोग उससे बातचीत करने की ट्राई करेंगे। और मेरे को तो नहीं लग रहा कि वो हमें कुछ भी बताने वाला है, लेकिन देखते हैं भाई क्या ही पता लगने वाला अपने को। अगर एक बार उसने अपने को स्केच बना करके दे दिया तो ठीक है, शायद से फिर वो जो बॉस है या वो जो बंदा है वो अपने हाथ में आ जाएगा। इस टाइम पर ही पूरे 2 घंटे के बाद ऊपर की साइड आया हमें अपने रूम में लेकर के, और मैंने भी उसको सब कुछ बता दिया है, जैसा कि उस बंदे की बियर्ड थी, हैट थी, उसकी क्लोथिंग थी, सब कुछ बता दिया है। और लेस्टर भी यहाँ पर उसको बताने में लगा हुआ है, तो ये कह रहा है ठीक है बस मेरे को बताते जाओ, मैं पूरे आधे घंटे में तुम्हें यहाँ पर प्रोजेक्टर में चला करके उसकी एक पूरी परफेक्ट पिक्चर बना करके डिस्प्ले करवा दूंगा। तो देखते हैं, वो अभी आधा घंटा लगाने वाला है, क्योंकि जैसा कि मैंने लेस्टर को बताया, लेस्टर उसको पूरा एक्सप्लेन करके बताता जा रहा है। और यहाँ पर देखो एक बार, आपको मैं कुछ दिखा देता हूँ, यहाँ पर AK-47 की बहुत ज़्यादा एमोज हैं, यहाँ डब्बे पड़े हैं नीचे की साइड गन्स की, कुछ जगह दे रखी है लेकिन वहाँ पर एक भी गन नहीं है, और एमो के डब्बे पूरे फुल पड़े हैं, ऊपर की साइड भी बॉक्सेस हैं वो भी पूरे फुल पड़े हैं, और राइट साइड में एक बॉक्स है, इसके अंदर मेरे को लग रहा है कि पक्का कोई खतरनाक वाला वेपन होने वाला है। लेकिन जितना ये शरीफ बंदा लग रहा है उतना ये शरीफ बंदा शायद से नहीं है। तो जल्दी से ना देखते हैं कब ये पेंटिंग बनाएगा, और उसके बाद यहाँ पर ये जब डिस्प्ले करवाएगा तो देखते हैं यार कितना ज़्यादा टाइम लगने वाला है। मशीन्स इसके पास है, ये प्रिंटर पड़ा हुआ है, पीछे की साइड प्रोजेक्टर लगा हुआ है। अब देखते हैं यार, टाइम तो हर चीज़ में लगता है, वेट कर सकते हैं और तो कुछ भी नहीं हम लोग कर सकते। फाइनली पूरे 2 घंटे के बाद उस बंदे ने पूरी पेंटिंग रेडी कर दिया है, और हम लोग उसके बेसमेंट वाले रूम में आकर के खड़े हैं। पिक्चर वगैरह तो मैं क्लिक कर चुका हूँ, बिल्कुल यार वही बंदा उसने बना दिया पूरे 2 घंटे के बाद, जैसा कि मैंने उसको बताया था। देखो यार, यहाँ पर वो बंदा बिल्कुल है, और राइट साइड में उसके एक सिक्योरिटी गार्ड है, मतलब मैंने इसको पूरा बताया था कि उसकी ब्लैक कलर की सिक्योरिटी है, और इसने जो बैकग्राउंड रखा है थोड़ा नेट वगैरह से निकाल करके रख लिया है, और बाकी बिल्कुल सेम बंदा बना दिया है। और ना ही इसको पता है, ना लेस्टर को पता है ये बंदा कौन है। प्रोजेक्टर वगैरह देख रहे हो गाइस, पूरा इसने बेसमेंट में रेडी करवा रखा है सारा सेटअप ऐसे। अब मैंने पिक्चर इसकी ले लिया है, अब जल्दी से ना हम लोग चलने वाले हैं मिलिट्री के कर्नल के पास, और उसके बाद ना उसको ये जा करके पिक्चर दिखाएंगे और बोलेंगे कि ये बॉस कौन है, और यही है यार वो बंदा जिसने अपने ऊपर अटैक करा था। तो चल ठीक है भाई लेस्टर, निकलते हैं इधर से, और वैसे भी ना देरी ना हो जाए अपने को। पेंटिंग तो पूरी मैच हो गई है बिल्कुल उस बंदे से, और वैसे जिसने पेंटिंग बनाई है लेस्टर के फ्रेंड ने, उसको भी उसका नाम मालूम नहीं है, और लेस्टर को भी उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया था, पेंटिंग पूरी सेम है। सही में गाइस, जैसा कि लेस्टर ने मेरे को बताया था, बिल्कुल वो ऐसे ही बंदा निकला जैसा कि उसको हमने इमेजिन करके बताया, उसने बिल्कुल उसी को पेंटिंग में बदल दिया। तो ठीक है, अब जल्दी से ना हम लोग चलते हैं इस टाइम पर मिलिट्री के कर्नल के पास, और बाकी अभी मैंने उसको कॉल तो करा नहीं है, मैं उसके पास डायरेक्ट जाऊँगा, वहाँ पर जा करके उसको सीधा मैं पिक्चर दिखा
दिखाने वाला हूँ और मेरे को लग रहा है कि वो मिलिट्री बेस ही होगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं सीधा अपनी गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से निकलते हैं सीधा मिलिट्री के कर्नल के पास। और बाकी वो भी शौक आ जाने वाला है, वैसे मेरे को लग रहा है कि शायद से उसको थोड़ा बहुत पता होगा। तो जल्दी से ना मैं एक काम करता हूँ, बैठ भाई लेस्टर और इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा फुल स्पीड में भगा करके मैं ले करके चलूँगा मिलिट्री बेस पे। तो बैठ गया लेस्टर इस टाइम पर और भगाते अपनी गाड़ी को और बहुत ज़्यादा फुल स्पीड में भगाऊँगा, कट मारूँगा बहुत ज़्यादा गंदे वाले, क्योंकि इस टाइम पर हमें उसकी पिक्चर मिल गई है लेकिन बंदे का नाम वगैरह कुछ भी मालूम नहीं है। अभी मेरे को नहीं पता कि मिलिट्री का कर्नल नाम वगैरह कहाँ से पता करवाएगा, वो तो उसके पास जाकर ही पता चलेगा। तो भगाते अपनी गाड़ी को, चलते हैं सीधा कर्नल के पास। मैं अपनी गाड़ी को लेकर के बहुत ज़्यादा फुल स्पीड में पहुँचते गया हूँ मिलिट्री बेस में। तो जल्दी से चलते हैं इधर से अपनी गाड़ी को लेकर के। भाई बच गए, अभी ठुकी होती बहुत ज़्यादा गंदे वाले तरीके से। और मैं जाऊँगा कर्नल को, सीधा दिखाऊँगा पिक्चर और बोलूँगा, देख भाई कर्नल, अब मैंने उस बंदे को तो ढूंढ लिया है, अब तू बता दे इसके बारे में, लेकिन यार ये हट क्यों नहीं रहा है? वैसे तो ये लोग हट जाते हैं, लेकिन वो देख रहे हो लेफ्ट साइड में कुछ बंदे गन्स वगैरह लेकर के जा रहे हैं। चलो मैं गाड़ी से उतर गया हूँ, चल करके ना एक बार इस सोल्जर से बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, हमें जाने क्यों नहीं दे रहा है। तो चलते हैं इसे एक बार बातचीत करके देखते हैं। फिलहाल तो मेरी सोल्जर से बात हो गई है और कोई भी फायदा नहीं है अंदर जाने का, क्योंकि मिलिट्री का कर्नल यहाँ पर नहीं है, वो गया हुआ है व्हाइट हाउस पर। और मैंने उसको कॉल करा, मेरा कॉल तो बिल्कुल उसको लग ही नहीं रहा, मतलब उसका नंबर पूरा स्विच ऑफ आ रहा है। तो पता नहीं भाई, अब जल्दी से अपने को ना प्रेसिडेंट के व्हाइट हाउस पर जाना पड़ेगा। और लास्ट टाइम तो हम लोग कर्नल के साथ थे तो अपने को एंट्री मिल गई थी, और मेरे को तो मुश्किल ही लग रहा है कि इस टाइम पर अपने को अंदर की साइड कोई जाने भी देगा, क्योंकि ऐसे यार बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता कोई भी किसी को जाने के लिए। और अगर हम लोग किसी खतरनाक बंदे के साथ जाएंगे जैसा कि कर्नल था, तभी अपने को परमिशन है। तो जल्दी से ना थोड़ा बहुत रॉन्ग साइड से अपने को गाड़ी को लेकर के चल लेना चाहिए। तो ठीक है, प्रॉपर से मैं अपनी जेस्को को लेकर के आ गया हूँ। और हट जा भाई, अपने को थोड़ी इमरजेंसी है, अपने को जाना है यहाँ से। और भगाते अपनी गाड़ी को, चलते हैं सीधा व्हाइट हाउस पर। और अब पता नहीं अपने को परमिशन मिलेगी जाने की वहाँ पर कि नहीं मिलेगी। इस टाइम पर मैं और लेस्टर पहुंच गए हैं व्हाइट हाउस के बहुत ज़्यादा क्लोज। और बाकी कर्नल को मैंने एक बार कॉल करने की ट्राई भी करी, लेकिन उसको कॉल ही नहीं लगा, उसका फ़ोन स्विच ऑफ पड़ा है। तो देखा जाएगा भाई, जो भी होगा अपने को एंट्री मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो चले जाएंगे, नहीं मिलेगी तो बाद में मिलेंगे कर्नल को। और बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी हुई हैं, तो एक काम करते हैं अपनी गाड़ी को ना हम लोग यहाँ पर करते हैं पार्क, और कुछ बंदे यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आ जा भाई लेस्टर, हम लोग चलते हैं सीधा व्हाइट हाउस के अंदर। और लेस्टर आज तक कभी भी व्हाइट हाउस तो नहीं गया है, और शायद से आज ये चलेगा मेरे साथ व्हाइट हाउस के अंदर। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर कुछ स्वैट टीम के बंदे खड़े हुए हैं, तो इनसे ना चल करके एक बार बातचीत करते हैं और पूछते हैं इन्हें हमें एंट्री मिलेगी भी कि नहीं। अपने को तो एंट्री मिल गई है, और लेस्टर को ना उन्होंने पीछे की साइड ही खड़ा कर लिया है। और वो बोल रहे हैं कि ठीक है, हम लोग तो तुम्हें जानते हैं कि तू माइकल है और तूने पहले भी प्रेसिडेंट से एक गिफ्ट लिया है, लेकिन अगर तेरा दूसरा पार्टनर होता उसको हम लोग परमिशन जाने के लिए दे देते हैं, और स्ट्रिक्ट रूल है कोई तीसरा बंदा नहीं जाएगा। देखो गाइस, अगर ट्रेवर अपने साथ होता तो मैं और ट्रेवर तो हम लोग आराम से जा सकते थे, लेकिन लेस्टर है तो वो तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। तो ठीक है, सिक्योरिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा कड़ी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं है और जो कर्नल है वो अंदर ही है। तो एक काम करते हैं, वेपन वगैरह अपने पास बिल्कुल भी नहीं है, इन्होंने पूरा चेक कर लिया अपने को, और एक चेकिंग हमने वहाँ पर करा दिया है। और एक बंदा पीछे की साइड आ रहा है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो ये सीधा ठोक देगा भाई, इन्हें स्ट्रिक्ट रूल है एनकाउंटर करने के। तो चल करके ना इससे बात करते हैं एक बार। फिलहाल तो यहाँ पर ना इसने सब कुछ चेक कर लिया, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिस कारण हम लोग अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, ऑल क्लियर है। और यहाँ पर ना दूसरा सिक्योरिटी वाला अब अपने को अंदर के साइड लेकर के चलेगा। और पहुँच गए हम लोग सीधा इस व्हाइट हाउस के अंदर, और जो कर्नल है वो सोलर सिस्टम वाले रूम में है। तो जल्दी से चलते हैं सामने की साइड, वो रहा सोलर सिस्टम। तो देखते हैं चल करके, अभी ये पासपोर्ट वगैरह लगाएगा तो अपने को परमिशन मिलेगी अंदर जाने की। तो वेट करते हैं इधर, पासवर्ड वगैरह से इसने डाल दिया है, रूम हो चुका है ओपन, और कर्नल खड़ा है बिल्कुल सोलर सिस्टम वाले रूम के अंदर। और यहाँ की जो मशीन्स हैं ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, तो चलते हैं इससे एक बार बातचीत करते हैं और इसको पिक्चर दिखाते हैं, इसका रिएक्शन देखते हैं। फिलहाल तो मैंने रिएक्शन देख लिया इसका, बहुत ज़्यादा शॉक हो गया है कर्नल, और ये बिल्ली भी नहीं कर रहा है, कह रहा है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, पहले ये बहुत ज़्यादा छोटा मोटा चोर हुआ करता था और ये कई सालों तक लॉस सैंटोस के प्रिजन के अंदर था, जब से ये भागा है इसने अपने साथ पूरी टीम खड़ी कर ली है, और इसके जो प्रिजन से इसने बंदे एस्केप करवाए थे वो इसके साथ हैं, लेकिन अभी तक जब से इसने उन्हें निकाला है
वो यहाँ पर तो अटैक करने नहीं आया, लेकिन कर्नल कह रहा है कि प्रेसिडेंट को तो मैं ये पिक्चर दिखा दूंगा। माइकल, ठीक है भाई, तेरा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, तू बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है लॉस सैंटोस के लिए, और बाकी अगर तुम्हें कोई भी चीज़ की ज़रूरत रहती है तो तुम लोग मेरे को कह सकते हो, मैं प्रेसिडेंट को कह करके तुम्हें वो चीज़ प्रोवाइड करवा सकता हूँ। तो चलते हैं सीधा लेस्टर के पास और देखते हैं कि प्लान हम लोग कहाँ पर बनाने वाले हैं, क्योंकि अपने को ना उसको पकड़ करके सीधा जेल डालना होगा या तो उसको वहीं पर मारना होगा, देखा जाएगा भाई जैसा भी होगा। तो चलो यार, अब जल्दी से चलते हैं लेस्टर के साथ और इसको बताते हैं कि कर्नल तो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया है। फाइनली यार, लेस्टर तो इस टाइम पर बातचीत कर रहा था किसी डीलर से, और लेस्टर कह रहा है कि ये सोच रहा है कि ना, अगर हमें उस बंदे को पकड़ना है तो उसके लिए हमें एक काम करना होगा, हमें करना होगा भाई एक प्लान तैयार। तो प्लान ऐसे यार जगह जगहों पर नहीं कर सकते, लेस्टर कह रहा है कि जितने भी थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास, मैं एक बंकर लेने वाला हूँ, मतलब एक सीक्रेट सा बेस लेस्टर लेगा। और ये कह रहा है कि जल्दी से ना पहले एक डीलर के पास लगा और उसको बहुत ज़्यादा बढ़िया मेरी चॉइस पता है कि मेरे को क्या पसंद है, तो जल्दी से ना हम लोग अपनी गाड़ी को भगाते हैं यहाँ से। वैसे प्लान तो बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, लेकिन एक बंकर बहुत ज़्यादा महंगा आएगा। अब देखते हैं लेस्टर कौन सा बंकर पसंद करेगा, क्योंकि ना डीलर से तो बात हो गई है। डीलर कह रहा है ठीक है, मेरे पास पूरे दो बंकर हैं, पहले तुम एक बंकर जा करके देख आओ, और उसने लोकेशन हमें अभी सेंड कर दिया है। तो चलते हैं, वो बंकर इस टाइम पर खाली होगा, लेकिन वो कुछ ज़्यादा महंगा वाला बंकर होगा। तो भगाते अपनी जैसों को यहाँ से, चलते हैं सीधा उस बंकर के बहुत ज़्यादा क्लोज। और वैसे ना हम लोग उस एरिया के क्लोज हैं, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है वो एरिया इधर से। ठीक है यार, हम लोग इस टाइम पर अपनी गाड़ी को लेकर के पहुंच गए हैं बहुत ज़्यादा क्लोज उस पहले बंकर के। वो जो पहला बंकर है वो बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है, और वो एक सिनेमा के राइट साइड में एक गैराज है, नीचे की साइड पूरा बंकर बसा हुआ है। तो हम लोग बिल्कुल उस सिनेमा के बहुत ज़्यादा क्लोज तो पहुंच गए हैं, और जल्दी से अपनी गाड़ी को यहां से लेकर के चलते हैं, लगाते हैं पार्किंग में। यहीं कहीं ना एक बंदा अपना वेट कर रहा है, और चलते हैं भाई लेस्टर आ जाए यार। अब तो लेस्टर ना पूरा उस बंदे को पकड़ने के मूड में है, और यहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ है, शायद से ये वो बंदा है जो अपने को लेकर के जाएगा क्या। अब वो तो ना चलकर ही पता चलने वाला है, तो एक बार इससे बातचीत करते हैं। और लेस्टर, ठीक है लेस्टर तू कर ले भाई बात इससे। हाँ यार, यही वो बंदा है जो अपने को बंकर दिखाने वाला है। तो ये कह रहा है कि ये जो गाड़ी देख रहे हो, तुम्हें एक काम करना होगा, इसके अंदर जा कर के बैठना होगा। तो बैठते हैं इसके अंदर, और बाकी हमें ना इसको लेकर के जाना है अंडरग्राउंड। तो वो जो बंकर है पूरा अंडरग्राउंड है, और ये कह रहा है ना पैसे तो है ना तुम्हारे पास, तो मैंने बोला भाई तू पहले बंकर तो दिखा दे, क्योंकि ये जितना बंकर छोटा लगेगा ऊपर से लग रहा होगा आपको, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो जल्दी से ना फ्लैश वगैरह जलाते हैं, मतलब टॉर्चेस जलाते हैं गाड़ी की, मैं भी क्या बोल रहा हूँ। अब जल्दी से लेकर के चलते हैं इस गाड़ी को नीचे की साइड, और बहुत ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है यार यहाँ पर बंकर। तो मेरे को लग रहा है सही में बहुत ज़्यादा बड़ा है, कि शुरू होते ही ख़त्म हो गया। एक मिनट, गाड़ी तो हम लोग यहाँ पर लेकर के आ गए हैं, और बाकी यहाँ पर देखो गाइस, सामने की साइड एक डोर है, तो हम लोग यहाँ पर भी जा सकते हैं और यहाँ पर तो प्लान बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा ही बड़ा बंकर है यार, मेरे को तो कुछ ऐसा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं सीधा ऊपर की साइड। यार बंकर तो मैंने ना ऑलमोस्ट एक्सप्लोर तो कर लिया है, और यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा ही बड़ा बंकर है, कि कुछ ज़्यादा महंगा बंकर है। लेस्टर है थोड़ा बहुत नीचे की साइड पे, और बाकी ना इतनी ज़्यादा ज़्यादा दूर दूर तक इसके रूम है। अब मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पर कोई भी रेस्ट कर सकता है, एक तरह से ये क्लिनिक है, अगर मेडिसिन वगैरह का भी पूरा यहाँ पर इन्होंने जुगाड़ वगैरह करा हुआ है। तो ठीक है, अब जल्दी से ना मैं आपको चल करके ना दूसरा रूम दिखा देता हूँ एक बार। और यहाँ पर ये एक किचन है, अगर हमें भूख लगे तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी खा पी सकते हैं, यहाँ पर बैठ सकते हैं। और बहुत ज़्यादा खतरनाक बंकर है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा होने वाला है। तो एक काम करते हैं, बैठते हैं गाड़ी में। और लेस्टर वो बंदा कहाँ पर जा चुके हैं यार, शायद से वो लोग होंगे बाहर की साइड, या तो चले गए होंगे दूसरे वाले रूम में। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ऑपोजिट साइड, वहाँ पर तो मैं भी नहीं गया हूँ। तो जल्दी से चलते हैं, और अपने को ना अगर हम लोग ये वेपन वाला बंकर लेंगे तो ये यहाँ पर कुछ वेपन भी मिलेंगे, इसके अलग पैसे हैं। एक वेयर हाउस है जो इंक्लूडेड है उसके साथ, अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला इनका कुछ लेते हैं ना भाई, ऐसा कुछ लेस्टर बता रहा था मेरे को, लेकिन नहीं यार इसका कोई भी फायदा नहीं है। बेस यहाँ पर है बहुत ज़्यादा तगड़े वाला, ऊपर की साइड एक बार चल करके देख लेते हैं, पूरा पीसी का सेटअप है। और
पैसे रखे हुए हैं यहाँ पर, ये पैसा अभी मिलेगा क्या अपने को? मैं तो सोच रहा हूँ ये पैसा उठा करके उनको दे देते हैं, लेकिन नहीं, ये किसी और का पैसा होगा, और जिसका भी ये अभी बंकर है वो अगर इसको बेचता है तो शायद से उसका पैसा होगा। और आप सोच रहे होगे कि मैं वो सारा पैसा उठा करके बाहर की साइड चला जाऊँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इतना ज़्यादा गंदा वाला पीटेंगे ना मेरे को वो लोग, तो मजे ही आ जाएगा मेरे को मार खा करके। और ये पूरा पीसी सेटअप है, यहाँ पर लेस्टर बहुत ज़्यादा तगड़े वाली हैकिंग कर सकता है। और अभी हमें प्राइस इसका मालूम नहीं है, लेकिन जो बंकर है उसको आप लोग नंबर दो, 10 में से आप कितने देते हो? मैं तो इसको 10 में से 10 दे रहा हूँ, लेकिन उसी अकॉर्डिंग इसका प्राइस भी होगा। तो जल्दी से ना चलते हैं एक बार लेस्टर के पास, और उस बंदे से ना जा करके इसका रेट वगैरह पूरा पता करते हैं। और पार्किंग बहुत ज़्यादा है, वो डोर खुलेगा क्या? मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है। तो एक काम करते हैं, इस गाड़ी को हम लोग लेकर के चलते हैं पीछे की साइड, और अगर ये डोर खुला, ऑफ कोर्स यार ये नहीं खुलेगा, मेरे को कुछ ऐसा लग रहा है। और पीछे की साइड भी एक डोर है, ये बंकर बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको गाड़ी में बैठ करके पूरा एक्सप्लोर करना पड़ रहा है। और ये कौन सा रूम है? यहाँ पर देख रहे हो कितने ज़्यादा बेड्स वगैरह बिछाए हुए हैं, ये कुछ हॉरर फील दे रहा है मेरे को। तो जल्दी से इस बंकर से निकलते हैं, मेरे को लग रहा है कि पूरा लॉस सैंटोस नीचे की साइड ही बसा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं इधर से सीधा बाहर की साइड, और लेस्टर को शायद से ये बंकर पूरा पसंद आ गया होगा। आ तो मेरे को भी गया ये बंकर बहुत ज़्यादा पसंद, लेकिन नहीं यार हम लोग यहाँ पर नहीं रहने वाले, और चलते हैं। मैं तो उसको लेस्टर को मना करूँगा। ओके तो यार मैं बाहर की साइड तो गाड़ी को लेकर के आ गया हूँ, और लेस्टर और वो बंदा भी पहुँच गया है इधर। और लेस्टर से ना एक बार चल करके ना मैं पहले बात करता हूँ, और तू यहीं पर रुक। अरे यार ये कह रहा है कि सर आपको पसंद आया तो पेमेंट कर दो। भाई पागल हो क्या? रुक जाओ, इतनी बड़ी चीज है, अभी पैसे की दिक्कत भी हो सकती है, तो बात करने दे पहले भाई। फिलहाल तो इस टाइम पर हमें बंकर पसंद आ गया है, लेकिन जो बंकर का प्राइस है वो पूरे 35 मिलियन डॉलर का है, और लेस्टर के इस टाइम पर जेब में पैसे हैं पूरे 5 से 6 मिलियन डॉलर। तो अब ये बंदा कह रहा है कि सर मैंने आपको पहले बोला था कि टाइम वेस्ट करके कोई भी फायदा नहीं है, अब छोड़ो यार, अगर आपको 5-6 मिलियन डॉलर का एक बंकर चाहिए तो मैं आपको लेकर के चलता हूँ सीधा ट्रेन ट्रैक के कुछ अंडरग्राउंड वाला ये बंकर कह रहा है, वो भी इन्हीं का बंकर है, तो उसका जो कॉस्ट है वो 5 या 7-8 मिलियन डॉलर में अपने को मिल जाएगा। तो जल्दी से ना गाइस अपनी गाड़ी को मैं भगाता हूँ, और जेस्को को मैंने वहीं पर पार्क कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बंदे ने बोला है कि ठीक है वो जेस्को वहाँ पर सेफ रहेगी, आपकी बहुत ज़्यादा तगड़ी गाड़ी है। और मैंने बोला भाई चोरी अगर हो गई तो तुम्हारा बंकर फ्री में ले लूँगा मैं। तो भगाते हैं अपनी गाड़ी को, चलते हैं सीधा उस दूसरे वाले बंकर की लोकेशन पर। फाइनली यार गाड़ी भगा करके हम लोग दूसरी वाली लोकेशन पर पहुँच गए हैं, और वो जो बंदा था ना वो कह रहा है कि अब तुम्हें कोई और आगे की साइड लेकर के जाएगा, तो उसको तो हमने ड्रॉप कर दिया है, उन्हीं की कंपनी से हमने कोई और बंदे को उठा लिया है। तो ठीक है गाइस अब जल्दी से ना इस गाड़ी को लेकर के चलता हूँ, और ये गाड़ी आपको लग रही होगी बहुत ज़्यादा बेकार है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। एक तो SUV है, और ऊपर से ना गाइस इसकी जो हैंडलिंग है वो भी बढ़िया है, और कोई भी खड्डे के ऊपर से बहुत ज़्यादा आराम से ये चली जाती है। और ये कह रहा है बस अपने को थोड़ा सा और आगे जाना है और यहाँ पर रोक दे। भाई पागल है क्या? यहाँ पर कौन सा बंकर दिखने वाला है इसको? वैसे ये लोग बोल तो रहे थे कि रेल ट्रैक के नीचे एक बंकर होने वाला है, अब मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो एक मिनट इससे बातचीत करते हैं। ठीक है यार मेरी इस बंदे से पूरी बातचीत तो हो गई है, और ये कह रहा है पहली बात तो ये देख लें ये है वो बंकर, और ऊपर की साइड तुम्हें कैमरा मिला है, मतलब कैमरे वगैरह इसके अंदर पूरे लगे हुए हैं। तो जल्दी से ना इसके अंदर की साइड चलते हैं। तो भाई ऐसी जगह पर तो कोई सोच भी नहीं सकता कि बंकर हो सकता है, मैं भी ना एक सेकंड के लिए तो सोच में पड़ गया था। और आफ्टर लाइफ बंकर का नाम है, तो यार लाइटें वगैरह भी बहुत ज़्यादा बढ़िया इधर। और यहाँ पर पता नहीं कौन सा ये मशीन रख रखी है, लेकिन ये कुछ एडिटिंग सॉफ्टवेयर लग रहा है मेरे को, उसके अंदर चल रहा है। तो ठीक है गाइस ये यहाँ पर चल रहा होगा, अब जल्दी से ना हम लोग थोड़ा सा नीचे की साइड चलते हैं, और बाकी लेस्टर और वो बंदा ऊपर की साइड है। और आप लोग बताओ बंकर आपको कैसा लग रहा है? मेरे को ना ये बंकर कुछ ज़्यादा सही लग रहा है, एक तो ना ये एरिया है भी बहुत ज़्यादा सस्ता। प्लीज़ कीप एरिया क्लीन। ठीक है सर क्लीन रखेंगे हम लोग इस एरिया को, और बाकी हम लोग आगे की साइड चलते हैं। ये कुछ फ्रीजर है, हम लोग अपना कुछ खाने पीने का सामान रख सकते हैं इसके अंदर, और बाकी कुछ भी बोलो भाई। एक मिनट, नीचे की साइड आ करके ऐसा लग रहा है कि मैं किसी बार में आ गया हूँ, और अभी मैं ऊपर था और वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, और ये क्या सीन? एक मिनट यार ये क्या है यार? अब मेरे को लग रहा है ये कोई भूतिया बंगला है। एक बार मैं उसके पास चलता हूँ और उससे पूछता हूँ कि यार हमें तुम फंसा तो नहीं रहे हो ना कहीं?
डरने की बात नहीं है गाइस, ये कोई रियल लड़की नहीं है, ना ही ये कोई डेड बॉडी है, ये एक प्रोजेक्टर है। मतलब ये अगर हम लोग क्लोज से देखेंगे ना, तो ये नीचे की साइड से लाइट है जो उसको रिफ्लेक्ट कर रही है। मतलब कुछ ऐसा फील दे रखा है यहाँ पर ना, एक्सपेरिमेंट हो रहा है। और यहाँ पर एक नहीं है प्रोजेक्टर लाइट, एक पीछे की साइड है, दूसरी वहां पर है, तीसरी और चौथी वहां पर है, पूरी चार लाइट्स हैं सेम। देखो यार सामने की साइड जो बॉडी है वो भी पूरी सेम है। अब तो आपको भी क्लियर हो गया कि ये लाइट्स है, मेरे को भी क्लियर हो गया है। और बाकी ये जो एरिया है ये बहुत ज्यादा बड़ा है, और अभी तो हम लोग बस इसको 20% एक्सप्लोर करके आए हैं। तो जल्दी से ना हम लोग आगे की साइड चलते हैं। और बाकी यहाँ पर भी कुछ मशीन नहीं, ये तो स्पीकर्स है ना। अच्छा यार, हम लोग यहाँ पर टाइम पास करने के लिए डांस वगैरह भी कर सकते हैं। और बाकी छोटा सा कसिनो भी है, और यहाँ पर कॉन्सर्ट भी हो सकता है, और बाकी कुछ सिटिंग अरेंजमेंट है। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा बाहर की साइड। और देखो यार बहुत ज्यादा बढ़िया, मेरे को ये बंकर लग रहा है। अभी प्राइस तो हमें मालूम नहीं है, अब चल करके ना उससे पूछते हैं। अगर ये अपने पास बंकर आ गया तो हम लोग यहाँ पर अपनी पूरी टीम को रख के, लेस्टर जैसे बोल रहा है कि वो अपने पूरे फ्रेंड्स वगैरह को बुला लेगा, और यहाँ पर फिर हम लोग प्लान वगैरह बना सकते हैं, जिसकी हमें फोटो मिल गई है। देखो अब अपने को शक्ल के बारे में तो पता है ना, लेकिन अभी तक उसका नाम मालूम नहीं है। तो यही ये लोग सब रिसर्च करेंगे, जैसा भी होगा उसके बाद ये लोग हमें रिसर्च करके बताएंगे। और यहां पर देखो हम लोग दूसरे वाले रूम में आ गए हैं। आपको लग रहा होगा मैं वापस से उसी रूम में आऊंगा, लेकिन नहीं, ऐसे यहां पर बहुत ज्यादा रूम्स हैं। ये टॉर्चर रूम लग रहा है मेरे को। और गन्स वगैरह भी है क्या? नहीं यार, ये डमी है, रियल गन नहीं है। और चेयर भी है अगर किसी को टॉर्चर करना हो, वो भी बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है। तो चलो गाइस अब जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा बाहर की साइड, और एक बार ना चल करके इस बंदे से बातचीत करते हैं और इस बंकर का प्राइस पता करते हैं। मेरी इस बंदे से बात हो गई है, और सही में ना अब ये मार खाने वाले काम कर रहा है। पहले जब मैं इसको यहाँ पर लेकर गया हूँ, ये कह रहा है कि सर अगर आपका बजट $5 का है तो हम लोग आपको $6 या $7 तक तो दिलवाई देंगे कोई बंकर। अब मैं यहाँ पर आकर के बंकर मेरे को पसंद भी आएगा तो मैं उससे रेट पूछ रहा हूँ। ये कह रहा है कि ये बंकर $12 मिलियन का है, अगर चाहिए तो लो नहीं तो ना लो। इसने देख लिया ना भाई, मैंने इस बंकर की तारीफ कर दी, और उसके बाद भाई ये कुछ ज्यादा चौड़ में आ गया है। अब चलते हैं सीधा इधर से। लेस्टर कह रहा है कि मेरे ना कुछ बैंक अकाउंट में कुछ पैसे हैं, और अभी अपने को ना लेस्टर की पूरी एक टीम लेकर के आनी होगी। यहाँ पर जो भी उसके 3-4 लोग हैं ना, वो लोग यहाँ पर आ जाएंगे, और मैं तो चलता हूँ सीधा यहाँ से बैंक अकाउंट पर, वहाँ से पैसे वगैरह लेकर के आते हैं। भाई पूरा बंकर मेरे को बढ़िया लग रहा है, और इतनी ज़्यादा सीक्रेट सी लोकेशन पर है ना, किसी को शक होने नहीं वाला। और मैं तो खुद भूल गया हूँ भाई डोर कहाँ पर है, इतना ज़्यादा खुफिया इन्होंने दरवाजे को लगा रखा है इधर। तो ठीक है यार, मैंने उसकी गाड़ी कुछ टाइम के लिए उधार ली है। अब जल्दी से ना हम लोग इस गाड़ी को लेकर के यहाँ से रिवर्स चलते हैं। बैंक तो क्लोज है, लेकिन मेन दिक्कत ये है ना, जो लेस्टर के फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा दूर दूर रहते हैं। तो जल्दी से ना मैं अपनी गाड़ी को यहाँ से लेकर के चलता हूँ सीधा ना गाइस। अभी अपने को लेस्टर के 3 फ्रेंड्स को उठाना है, और यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट चलूँ तो ट्रेन ट्रैक से शायद से मैं ऊपर की साइड जा सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, ट्रेन तो नहीं है, पीछे की साइड तो कुछ भी नहीं है, आगे की साइड भी नहीं है ट्रेन। तो ठीक है भाई, अब यहाँ से मैं कट मार करके, अरे यार मेरे को लग रहा है मैं फंस गया हूँ। अगर सामने से ट्रेन आई तो अपनी चटनी बन जाएगी। तो एक काम करता हूँ, SUV है तो फायदा उठाते हैं, लेकिन एक मिनट नहीं, अरे भाई मेरे को लग रहा है कि नहीं नीचे ना गिर भाई। ठीक है भाई, फाइनली हम लोग बच गए हैं। तो एक काम करना होगा अपने को ना, यहाँ से अपनी गाड़ी को भगा करके फाइनली तुम्हारा भाई हाईवे पर तो आ गया है, लेकिन उसकी गाड़ी ना भाई स्क्रैच से पूरी भर चुकी है। और वो कहे कहीं अपनी जेस को मेरे को दे दो, ये वाली तुम रख लो भाई, मारूंगा बहुत ज़्यादा उसको गंदे वाला। अब जल्दी से ना यहाँ से अपनी मैं गाड़ी को भगाता हूँ, और बाकी मौसम, अरे पागल है क्या? एक मिनट, मैं अच्छा वाला जा रहा हूँ और इसने बिन बात के ना ब्रेक मारी है, और शायद से ना ज़्यादा कट मार रहा था। या तो इसकी गाड़ी भाई चोरी की है, या तो ये कुछ ज़्यादा ही चौड़ दिखा रहा है। और तेरी हिम्मत कैसे हो भाई, मैं आराम से जा रहा हूँ जब यहाँ से, और कुछ ज़्यादा ही चौड़ में इसने ना कट मारने के चक्कर में पूरा स्क्रैच ही डाल दिया। तो चल निकल इधर से, देख रो बहुत ज़्यादा आँखें इसकी खुल नहीं रही है, और मुक्के मारने चला, चल पीछे की साइड। इसको मैं सोच रहा हूँ ना नीचे नीचे गिरा दूँ इधर से। अब अभी भी टाइम है, भाग जा बच करके, और अब पिटेगा यार ये। गन तो है ही नहीं यार, मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास गन है। अब तो बेटा तू मरने वाला, तो तेरे कोई भी नहीं बचा सकता। अभी तो मैं ज़्यादा गंदा पीटूंगा ना, मन तो करा कि इसको उठा करके ना सीधा ब्रिज से नीचे गिरा दूँ, लेकिन नहीं यार, चल बेहोश हो जा कुछ टाइम के लिए। अब जल्दी से हम लोग चलते हैं। अब ये बंदा यहाँ पर गिर करके बेहोश रहेगा, मैं तो सोच रहा हूँ कि इसकी गाड़ी को, ठीक है यार एक काम करते हैं, आज तो ना बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब कर दिया इस बंदे ने, इसकी गाड़ी को ना मैं नीचे की साइड गिरा देता हूँ। वैसे मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन टाइम पास के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। जल्दी से ना एक काम करते हैं,
इसकी ये जो रेसिंग गाड़ी से ना टक्कर मारी तो मारी कैसे। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसकी गाड़ी को पार्क कर दिया है और जल्दी से चलते हैं सीधा अपनी गाड़ी में। हल्की सी टक्कर देने की ज़रूरत है बस मेरे को, और एम्बुलेंस आ रही है और वो लोग पुलिस को बुला सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जल्दी से ना यहाँ से इसकी गाड़ी को मारते हैं टक्कर, और इसकी गाड़ी गई सीधा नीचे, और यहाँ से अब हम लोग अपनी गाड़ी को भगा करके लेकर के चलते हैं। और एम्बुलेंस वगैरह वहाँ तो आ गई है भाई, वो लोग ना सोच रहे होंगे भाई बंदा बहुत ज़्यादा खतरनाक है, गाड़ी को भी तोड़ गया और उस बंदे को भी तोड़ गया, अब भगाते हैं इस एसयूवी को यहाँ से। अरे नहीं 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 ठीक है, संभाल लिए तुम्हारे भाई ने, चलते हैं सीधा नज़दीकी बैंक जो कि शायद से बहुत ज़्यादा क्लोज है अपने। चलो यार इस टाइम पर मैं बैंक वगैरह से तो आ गया, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी सही में, पूरी हालत बेकार हो गई है वहाँ पर लाइन में खड़े होकर के। और अपने बैग में इस टाइम पर $6 million है, तो लेस्टर को लगा था कि उसके बैंक में पैसे होंगे, लेकिन नहीं, बहुत ज़्यादा कम पैसे हैं। और लेस्टर ने ना अभी जुगाड़ लगाया पैसों का, तो अपने को वो पैसे भी लेकर के आने हैं, और लेस्टर के फ्रेंड भी थोड़ा लेट आएंगे। तो जल्दी से ना अपनी गाड़ी को मैं यहाँ से लेकर के चलता हूँ। वैसे तो मेरे को लग रहा ना हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हैं अब उस बंदे को पकड़ने में। और आप लोग भी एक काम करो, जल्दी से ना इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि हमें वीडियो किस टाइम पर पोस्ट करनी चाहिए। सुबह डालता हूँ तो रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं आता, शायद से आप लोग स्कूल होते होंगे उस टाइम पर, और या तो आपके एग्जाम्स चल रहे होंगे। और मैं वो बात पे हैरान हूँ, ये बंदे ने आ करके ना यहाँ पर गाड़ी ठोक दी, या तो ये नशे में है या तो ये गाड़ी चोरी करके जा रहा है इधर से। तो ठीक है भाई, अब जल्दी से ना हम लोग यहाँ से चलते हैं गाड़ी को ले करके। और अभी मेरे को बहुत ज़्यादा बड़े रास्ते पर सफ़र करना होगा, मतलब मेन हाईवे है और बहुत ज़्यादा दूर है। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो भाई लगी तो होगी, और यहाँ पर रेड लाइट बच गई, अगर रेड लाइट टूटी होती तो सबके सब भागने लग जाते उधर से और एक्सीडेंट हो जाता। तो चलो ठीक है भाई, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जा करके जोर से लाइक कर दो, चैनल पर नए चैनल को भी जोर से सब्सक्राइब कर दो। लाइक एम ज़्यादा नहीं है, 15,000 का लाइक एम है, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना भाई, क्योंकि कई लोग वीडियो देखते हो और 40% सब्सक्राइब करते नहीं हो। जल्दी से ना तुम लोग सब्सक्राइब भी कर दो, नहीं करते हो तो कर दो जा करके, 360K के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। तो गाइस अब जल्दी से ना आप लोग सब्सक्राइब करो, मैं यहाँ से निकलता हूँ, बहुत ज़्यादा दूर जाना है। ठीक है, मिलते हैं बहुत ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू ऑल। ओ भाई ठोक देगा क्या पूरी गाड़ी को।